सभी को अभी तक का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अब हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि इस कोड को हमें टी के इंटर ग्राफिक्स से बनाकर तैयार करना है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को हमने पहले तो 11 नंबर से सेव कर दिया, डेमो 11। और ये जो कोड है इस कोड को फिलहाल हमने यहां से कट करा और एक नए विंडो पर रख देते हैं यहां पर, क्योंकि हम बाद में इसका यूज करने वाले हैं, इसलिए यहां पर रख दिया। अब इतना होने के बाद फ्रॉम टी के एंटर इंपोर्ट स्टार टी इक्वल टू टी के टी डॉट मेन लूप और टी डॉट ज्योमेट्री। सर हमें चाहिए यहां पर 600 x 400। एग्जाम्पल को रन कर दिया तो कुछ ये 600 x 400 का विंडो आकर क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, करेक्ट। अब इतना होने के बाद हमने यहां पर कुछ ऐसा किया कि u1 इक्वल टू लेवल टेक्स्ट इक्वल टू एंटर नेम u1 डॉट प्लेस x में 100 और y में भी 100। एग्जाम्पल को रन कर दिया, एंटर नेम मैसेज आकर क्या हो चुका है, डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा फॉन्ट का साइज इंक्रीज कर देते हैं, कॉमा फॉन्ट इक्वल टू डबल कोट कॉमा 12, ठीक है, एंटर नेम, ओके डन। अब इसके जस्ट आगे हमें एंट्री फील्ड चाहिए। ऐसा करने के लिए e1 इक्वल टू एंट्री e1 डॉट प्लेस x इक्वल टू 200 कॉमा y इक्वल टू 100। एक बार चेक करते हैं, एग्जाम्पल को रन कर दिया, ठीक है, कुछ ही आपकी एंट्री आकर क्या हो चुका है, डिस्प्ले हो चुका है, करेक्ट। अब इतना होने के बाद हम थोड़ा सा वेट यहां पर कम चाहते हैं, एक बार 400 करके चेक करते हैं। एग्जाम्पल को रन कर दिया, ठीक है, करेक्ट है, काफी है, और ओके डन। नेक्स्ट हमने लिखा कि सर एंट्री जो है उसका भी फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो जाना चाहिए, और हमने यहां पर कर दिया 12। एग्जाम्पल को रन करा, ठीक है, लेकिन एंट्री की लेंथ यहाँ पर हम इतना नहीं चाहते, विड्थ जो है ज़्यादा है, कम करना चाहते हैं, ठीक है। कोड सिंपल, हमने यहाँ पर लिखा कॉमा करके विड्थ इक्वल टू 150। एक बार चेक करते हैं, एग्जाम्पल को रन कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट हुआ, थोड़ा और 120, ठीक है, काफ़ी। एंटर नेम और एंट्री, इतना होने के बाद नेक्स्ट यू टू मैसेज एंटर पासवर्ड और एंटर पासवर्ड। बाय एक्सिस में थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं 150। E2। एग्जाम्पल को यहां पर हमने रन कर दिया, ठीक है, एंटर नेम एंटर पासवर्ड, पासवर्ड सो नहीं होना चाहिए, और सभी को कंसेप्ट क्लियर है कि यहां पर अब सो क्या होना चाहिए, सर एस्ट्रिक सिंबल कुछ। एग्जाम्पल को रन कर दिया, ठीक है, अब एक बटन भी चाहिए, b1 इक्वल टू बटन और b1 डॉट प्लेस x इक्वल टू 150 y इक्वल टू 200। बटन के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ आना चाहिए कि लॉग इन। एग्जाम्पल को रन कर दिया, ये बटन आकर क्या हो चुका है, डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है, और कॉमा फॉन्ट इक्वल टू डबल कोट कॉमा 12। एग्जाम्पल को रन कर दिया, ठीक है,
काफी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके डन। अब इतना होने के बाद हम कुछ ऐसा चाहते हैं कि यदि यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर वो एंटर करता है जो डेटाबेस में एग्जिस्ट है, तो मैसेज क्या आना चाहिए, वेलकम। अदरवाइज कितना आना चाहिए, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, ऐसा करने के लिए अब सिर्फ हमें करना क्या है कि जो बटन है कॉमा कमांड इक्वल टू कोई फंक्शन बनाकर तैयार कर देते हैं और सो वन नाम से। ठीक है, फंक्शन को क्या कराया, फिर कॉल किया, और इतना होने के बाद डेफिनेशन ऑफ सो वन कुछ ऐसा। ठीक है, इसकी कोटिंग हम करते हैं। इससे पहले हम एक काम और करते हैं कि हमने क्या करा कि एक ए या फिर एक्स स्ट्रिंग वेरिएबल, वेरिएबल अगर हम और कुछ रख रहे हैं एस वन रख देते हैं, ये ठीक रहेगा, और सेकेंड रख दिया हमने एस टू स्ट्रिंग वेरिएबल। एस वन एस टू की हम लिंकिंग करने वाले हैं यहां पर टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू एस वन, और सेम यहां पर टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल टू एस टू। ठीक है, तो टेक्स्ट वेरिएबल एस वन, टेक्स्ट वेरिएबल एस टू, ये जो एस वन एस टू इनकी लिंकिंग कहाँ हो चुकी है सर, यहां पर हो चुकी है इन दोनों एंट्री फील्ड से, करेक्ट। अब हमें करना क्या है कि क्यूरी का कोड एग्जीक्यूट करना है। ऐसा करने के लिए ये जो कोड हमने अलग रखा हुआ था, सबसे पहले यहां से कोड का हम यूज करते हैं, और लास्ट लेक्चर में ही ये कोड समझाया हुआ है सभी को, इसलिए सभी को समझ आना चाहिए। इतना होने के बाद अब जो हमें कोड की जरूरत है कुछ ये, ठीक है, इस कोड का हमने क्या करा यहां पर यूज किया, सभी ध्यान से, और यहां पर कुछ ऐसा। ठीक है, अब कोडिंग क्या है कि जो एंट्री है, एंट्री से वैल्यू किसके पास आ रही है, एस वन एस टू के पास, तो हमने यहां पर लिख दिया कि एस वन डॉट गेट, और यहां पर हमने लिख दिया एस टू डॉट गेट, करेक्ट। तो जो एंट्री से वैल्यू आई वो हमने फेच करवा लिया, इस कोड का अब कोई मतलब नहीं रह जाता, इसलिए इस कोड को क्या कर दिया हमने, हटा दिया। डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करा, कर्सर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन वेयर यू नेम इक्वल टू दिस एंड यू पास इक्वल टू दिस, करेक्ट है अपना क्यूरी। उसके बाद यहां पर वेलकम आना चाहिए, अदरवाइज इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड आ जाना चाहिए। ठीक, अब फाइनली एग्जाम्पल को रन करते हैं, और हमने यहां पर यूजर नेम पासवर्ड कुछ गलत, तो इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड, और आपने लिख दिया यहां पर अभी और जैन, बटन पर क्लिक कर आपने वेलकम मैसेज आकर क्या हो गया है, डिस्प्ले हो गया है। आई थिंक कोड बिल्कुल सिंपल है, सभी को क्या होना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि यहां पर जो है ना एक अलर्ट बॉक्स आकर डिस्प्ले होना चाहिए, हम ये इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड यहां नहीं चाहते। ठीक है, ऐसा करने के लिए हमने यहां पर कुछ ऐसा किया, फ्रॉम टी के एंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, और फिर यहां पर इस मैसेज को हटाते हुए, हमने लिखा कि मैसेज बॉक्स डॉट सो इन्फो, और यहां पर आप लिख सकते हो टाइटल और यहां पर आपने लिख दिया मैसेज सर
वेलकम, और इसको भी आपने हटाया। ये मैसेज आपने यहां पर रख दिया, है। एग्जाम्पल को हमने यहां पर रन कर दिया, आपने यहां पर गलत यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये आपने करेक्ट अभी, और जैन वेलकम मैसेज आकर क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया है। तो सिंपल कोड है, सभी को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सभी ध्यान से इस कोड को समझने की कोशिश करेंगे, सभी प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले नोट्स, इसलिए ध्यान से। हाँ जी,